हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं हॉलीवुड की टॉप 10 बेस्ट एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवीज को, जिन्हें आप यूट्यूब पे इजीली वॉच कर सकते हैं। और इन सारी की सारी मूवीज के लिंक्स आपको हमेशा की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वॉच करने को मिलेंगे। तो जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि इन मूवीज को यूट्यूब पे अनऑफिशियली अपलोड किया जाता है, मतलब कि इन मूवीज का कोई भरोसा नहीं होता कि मूवीज कब तक रहेंगी यूट्यूब पे। बाकी गाइस, मूवीज या फिर वेब सीरीज डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको डेली बेसिस पे न्यू मूवीज मिलती रहती हैं। और हाँ गाइस, आप लोगों ने इस वीडियो के एंड तक जरूर वॉच करना है, ताकि आपको पता चले कि कौन सी मूवी कितने नंबर पर होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10 पे ड्रैगन हंटर, ये मूवी आई थी 2022 में और इसे IMDb ने 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो गाइस, ये एक नेक्स्ट लेवल की मूवी होने वाली है, जिसके अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ बायोलॉजिस्ट की, मतलब कि एक बायोलॉजिकल टीम की, जिसके ऊपर एक मिस्टीरियस ड्रैगन अटैक कर देता है। इन टीम्स के मिसिंग होने के बाद कुछ ड्रैगन हंटर्स को इनको खोजने के लिए भेजा जाता है। आखिरकार इस ड्रैगन की मिस्ट्री क्या होने वाली है, ये आप जानेंगे इस मूवी के अंदर। नंबर 9 पे टार्जन, ये मूवी आई थी 2013 में और इसे IMDb ने 4.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इस फिल्म के अंदर हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो उस मीटोराइट को खोज रहे होते हैं जो डायनासोर के ऊपर गिरा था। जो बंदा इस चीज की रिसर्च करने में लगा होता है उसकी फैमिली के साथ, वो एक प्लेन में बैठ के जंगल के ऊपर उस मीटोराइट को खोज रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और हेलीकॉप्टर में बैठे सारे लोग मर जाते हैं सिवाय एक को छोड़कर, जिसका नाम होता है जॉन। तो अब आगे चल के वही लड़का टार्जन बनने वाला है। बाकी आगे चल के इस मूवी के अंदर क्या कुछ खतरनाक सीन आने वाले हैं, ये आप जानेंगे इस मूवी के अंदर। नंबर 8 पे एक साइंस फिक्शन मूवी जिसका नाम है स्केवेंजर्स, ये मूवी आई थी 2012 में और इसे IMDb ने 2.8 की रेटिंग दी है। गाइस, इस मूवी की रेटिंग्स कम होने वाली है, लेकिन ये मूवी काफ़ी हद तक अच्छी होने वाली है। तो अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। तो इस कहानी के अंदर हमें दिखाया जाता है कुछ क्रू मेंबर्स के ग्रुप को जो स्पेस में होते हैं अपने स्टारशिप के अंदर। सडनली इन लोगों का सामना वहां पर खतरनाक एलियन से हो जाता है जो इन सब की बैंड बजाने लगता है। बाकी इस कहानी के अंदर क्या कुछ होने वाला है, ये आप जानने वाले हैं इस मूवी के अंदर। सेवन पे 2023 की दी मैजिशियंस एलिफेंट, ये एक एनिमेशन एडवेंचर मूवी होने वाली है और इसे IMDb पर रेटिंग्स मिले हुए हैं 6.6 आउट ऑफ 10। तो बेसिकली इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऑर्फन बॉय से जिसका नाम होता है पीटर। असल में पीटर अकेला होता है और उसकी फैमिली में कोई भी नहीं होता सिवाय पीटर के। एक दिन पीटर की मुलाकात एक किस्मत बताने वाली लड़की से हो जाती है। वो औरत पीटर को बताती है कि तुम्हारी एक बहन भी है और वो पीटर को ये भी बताती है कि तुम्हारी बहन तुम्हें कैसे और किस तरह मिलने वाली है। इसके बाद पीटर निकल जाता है अपनी बहन की तलाश में। लेकिन जितना मैंने इस फिल्म की स्टोरी को कवर किया है, ये तो कुछ भी नहीं है। जब आप फिल्म वॉच करोगे तभी असली कहानी आपके सामने रिवील होने वाली है। इस वाली मूवी को कुछ ही दिन हुए मार्केट में आए हुए, तो इसलिए मूवी आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलने वाली है। 6 पे एलियन इन्वेजन, मूवी आई थी 2020 में और इसे IMDb ने 3.9 की एवरेज रेटिंग दे रखी है। सो यहाँ पर बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुछ लोगों को जो एक मिस्टीरियस एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, जिसकी वजह से इस मूवी के अंदर खून खराबा स्टार्ट हो जाता है। मूवी का नाम एलियन इन्वेजन है, तो इसके अंदर आपको एलियंस तो डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। बाकी गाइस, आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग इस मूवी को वॉच करते हैं या फिर नहीं। वो आ रहे हैं और अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये कैसे हो सकता है? कैसे मुझे बता। नंबर 5 पे एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी जिसका नाम है स्नोपियर्सर, ये मूवी आई थी 2013 में और इसे IMDb ने 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो ये एक अलग ही लेवल की मूवी होने वाली है, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि जमीन पूरी बर्फ से ढक चुकी है और जो बचे कुछ ह्यूमंस हैं वो एक ट्रेन के अंदर सरवाइव कर रहे हैं, मतलब कि वो एक ट्रेन के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और इस ट्रेन में सारी की सारी फैसिलिटीज मौजूद होती है जैसे कि जमीन पर हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सीन अलग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो मिडिल क्लास लोग होने वाले हैं उनको ट्रेन में पीछे रखा जाता है और जो रिच पीपल्स होते हैं वो उनको ट्रेन में आगे के डब्बों में रखा जाता है। गरीब लोगों को तो खाना भी ढंग से नसीब नहीं होता, तो इसी बात पे इस मूवी के अंदर खून खराबा हो जाना नॉर्मल सी बात होने वाली है। ये मूवी नेक्स्ट लेवल की मूवी होने वाली है। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग इस मूवी को वॉच करते हैं या फिर नहीं। 4 पे एक फैंटसी एक्शन मूवी जिसका नाम है डी वॉर, ये मूवी आई थी 2007 में और इसे IMDb ने 3.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि एक भविष्यवाणी के मुताबिक
ज़मीन पर बड़े ड्रैगन्स आएंगे अपना मकसद पूरा करने के लिए, लेकिन इसी बीच दुनिया का अंत भी हो सकता है। अब मेन कहानी फोकस करती है ईथन और सारा के ऊपर, जो मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि आखिर इन ड्रैगन्स को कैसे रोका जाएगा। तो अब आगे चल के इस कहानी के अंदर ये दोनों ड्रैगन्स को रोक पाते हैं कि नहीं, आप जानेंगे इस मूवी के अंदर। थ्री पे एक लाजवाब हॉरर मूवी जिसका नाम है डोंट नो ट्वाइस। ये मूवी आई थी 2016 में और इसे IMDb ने 5.1 की रेटिंग दी है। तो बेसिकली इस कहानी की शुरुआत होती है ऐसे घर से जिसका कोई भी डोर बेल बजा देगा और उसके बाद वो आत्मा उसी की बैंड बजाने के लिए निकल जाएगी। इस चीज को आजमाने के लिए कुछ लोग ऐसा ही करने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि असल में ये कहानी है या फिर रियल है। तो अब आगे चल के इस कहानी में उस घर की क्या मिस्ट्री होने वाली है, ये आप जानने वाले इस मूवी के अंदर। मूवी बेहतरीन है गाइस, बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग इस मूवी को वॉच करते हैं या फिर नहीं। नंबर 2 पे ड्रैगन ब्लेड। ये मूवी आई थी 2015 में और इसे IMDb ने 5.9 की रेटिंग दी है। तो गाइज ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी होने वाली है और ये कहानी है 2000 साल पुराने किंगडम की, जिसका इतिहास आज के लोग बताते हैं क्योंकि उन्हें वो जगह आज के टाइम पे मिली थी, मतलब के प्रेजेंट में मिली थी और ये चीजें पास्ट में हो चुकी थी, इसलिए अब ये कहानी प्रेजेंट में रहने वाले लोग ही बताते हैं। तो पास्ट में इस राज्य में क्या कुछ चीजें घटी थी ये आप इस मूवी के अंदर देखने वाले हैं। बाकी इस मूवी के अंदर आपको जैकी चैन भी देखने को मिलने वाला है और ये कहानी इसी के ऊपर बेस्ड होने वाली है, मतलब कि जैकी चैन के ऊपर बेस्ड होने वाली है। नंबर 1 पे 1998 की गॉडज़िला। ये एक नेक्स्ट लेवल की एक्शन साइंस फिक्शन मूवी होने वाली है और इसे IMDb ने 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो इसके अंदर हमें दिखाया जाता है एक जायंट गॉडज़िला जो शहर में आ जाता है तबाही फैलाने के लिए और अब इंसान उसे रोकने के लिए क्या कुछ नहीं करते, ये आप जानेंगे इस मूवी के अंदर। ये मूवी थोड़ी पुरानी होने वाली है लेकिन इसका स्क्रीन प्ले VFX नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। तो ये थी हमारी कुछ बेहतरीन हॉलीवुड मूवीज़। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।